रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 ने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द सिंबॉलिक फॉर्म। राइट स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, पहले आपको सिंबॉलिक फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें अपनी बुक्स पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको सिंबॉलिक फॉर्म में बताया था और आपने बताना था कि ये जो स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दी है वो ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको एक स्टेटमेंट दी थी और आपने उसमें बिलोंग या डजंट बिलोंग का साइन लगाना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक स्टेटमेंट बता दिया और आपने उसको बिलोंग या डजंट बिलोंग यानी सिंबॉलिक फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट में है, जीरो इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट डब्ल्यू। जीरो इज एन एलिमेंट ऑफसेट W। तो किस तरह से आप इस चीज़ को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे कि जो जीरो है वो सेट W से बिलोंग करता है। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में पढ़ा, आप लिखोगे जीरो बिलोंग्स टू W। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का हम कोई और नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। जैसे कि पार्ट नंबर 9 आपको बता देती हूँ, आपने बस यही बिलोंग और डजेंट बिलोंग के साइन यूज़ करने हैं। पार्ट नंबर 9 करेंगे अभी। पार्ट नंबर 9 में है, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट n। 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट n। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 5 बिलोंग्स टू n। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, वो होगा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 कर लेते हैं। वहाँ पार्ट 5 में आया आपके पास, पोटैटो इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट V। पोटैटो इज एन एलिमेंट ऑफ सेट V। पोटैटो जो है वो वी सेट का एलिमेंट है, तो आपने लिख देना है पोटैटो बिलोंग्स टू सेट वी। ठीक है, अब हम डजेंट बिलोंग से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि एक एलिमेंट जो है वो सेट से बिलोंग नहीं करता। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 का पार्ट 3 है, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ आपके पास है कि 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट E। 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट E। आपने इस चीज़ को बताना है कि 1 जो है सेट E से बिलोंग नहीं करता, डजेंट बिलोंग। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 1 डजेंट बिलोंग टू सेट E। ठीक है, ये बिलोंग के साइन के साथ जब कट लगा देते हैं तो उसका मतलब डज नॉट बिलोंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 5, जिसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और आपने बताना है कि उन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट एज अ सेट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एज अ सेट फॉल्स है, यानी वो सेट है या नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट एंड व्हाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट सेट एंड व्हाई।
लास्ट टाइम मैंने आपको सेट की डेफिनेशन बताई थी, और सेट की डेफिनेशन में दो चीज़ें थी कि एक डिस्टिंक्ट और दूसरा वेल डिफाइंड, कि आपका सेट जो है वो डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए और वेल डिफाइंड भी। हमने ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हमारे सेट में चेक करनी है। सबसे पहले हमारा जो है वो क्वेश्चन है ए, फर्स्ट पार्ट है ए इज इक्वल टू, आपके पास एक सेट दिया हुआ है बी ए एन के। जैसे कि हमें पता है कि सेट को हमेशा ब्रैकेट्स में बंद करते हैं, ठीक है, और फिर हमने इसकी डिस्टिंक्टिविटी और उसके बाद हमने इसकी वेल डेफिनेट डेफिनेशन, हमने देखना है कि क्या ये सेट वेल डेफिनेट है, क्या ये सेट डिस्टिंक्ट है, कैसे पता चलेगा। अब डिस्टिंक्ट के लिए आपने देखना है कि क्या इस सेट के अंदर कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा है। जैसे देखें बी ए एन के, कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा, ऑफकोर्स, तो फिर ये क्या हुआ, डिस्टिंक्ट हुआ। अब हमें देखना है कि क्या ये वेल डिफाइंड है, ऑफकोर्स ये आपके पास वेल डिफाइंड है। ये क्या है, आपके पास अल्फाबेट्स हैं, किस वर्ड के अल्फाबेट्स हैं, बैंक के, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट बैंक के आपके पास ये लेटर्स हैं। तो ये आपके पास क्या होगा, सेट, ए इज अ सेट। क्यों, ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, ये है आपके पास पार्ट डी, आपको एक सेट दिया है, डी में आपको किलर लेटर के वर्ड के लेटर्स दिए हुए हैं, के आई एल एल ई आर। अब आपने बताना है कि क्या ये जो आपके पास डी सेट दिया हुआ है, ये सेट है या नहीं, ठीक है। ऑफ कोर्स हमें ये सेट नज़र आ रहा है, लेकिन आपने इसकी दो प्रॉपर्टीज चेक करनी है कि क्या ये डिस्टिंक्ट है, क्या ये वेल डिफाइंड है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये डिस्टिंक्ट है कि नहीं, के आई एल, अगर हम देखें कि एल जो है वो इस सेट में टू टाइम्स आ गया है, इट्स मीन कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है। जब ये डिस्टिंक्ट नहीं है तो हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेक नहीं करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे डी इज नॉट अ सेट बिकॉज इट इज नॉट डिस्टिंक्ट, इट इज नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें आपके पास एक सेट है, यहाँ पे L दिया हुआ है, L इज इक्वल टू द सेट ऑफ बैड स्टूडेंट इन अ स्कूल, द सेट ऑफ बैड स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। अब हमने ये बताना है कि क्या ये सेट है। मैं आपको सेट की डेफिनेशन में पहले ही बता चुकी हूँ, गुड बैड या नोटी ब्यूटीफुल, इस टाइप के जो वर्ड्स जिसमें आ जाते हैं सेट में, वो आपके पास वेल डिफाइंड नहीं होता। उसकी रीज़न कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक स्टूडेंट एक पर्सन की नज़र में बैड है, बुरा है, तो वो दूसरा भी उसको डिसलाइक करे। तो इट्स मीन एल, आप लिखेंगे एल इज़ नॉट अ सेट Because it is not well defined. Because आप साथ reason भी बताएंगे कि वो distinct नहीं है या well defined नहीं है, क्या reason है। अब हम next question की तरफ move करेंगे। Next question है हमारे पास 6। और सिक्स क्वेश्चन जो है हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपके पास सेट दिए हैं, आपने उन सेट को देखने के बाद बताना है कि उनके एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 कर लेते हैं। पार्ट 5 में सेट ऑफ वोवल्स,
मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ सेट ऑफ वोवल्स क्या होते हैं, आप लोगों ने इंग्लिश सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा ए ई आई ओ यू, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ ए ई आई ओ यू नहीं लिख देना, बल्कि आपने उसको एक सेट की फॉर्म में लिखना है। सेट की फॉर्म का मतलब क्या है कि आपने पहले ब्रैकेट लगानी है और फिर सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, ए ई आई ओ यू। बल्कि आप अगर ब्रैकेट्स ना भी लगाएं तब भी बेस्ट है, उसकी रीज़न कि अभी तक आपने सेट की टेबुलर फॉर्म नहीं डिस्कस की, और टेबुलर फॉर्म हमारी है एक्सरसाइज 1.2 में, जहाँ पे आप पढ़ते हो कि किसी भी सेट के एलिमेंट्स को आप उसकी उसको ब्रैकेट्स में लिखते हो, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, बस ज़रूरी क्या है कि आपने हर लेटर के बाद कॉमा लगाना है, ए कॉमा ई, फिर कॉमा आई और कॉमा ओ कॉमा यू। अब नेक्स्ट हम अब कोई और पार्ट कर लेते हैं इसी क्वेश्चन का, पार्ट थ्री कर लेते हैं। पार्ट थ्री है आपके पास, सेट ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर नेचुरल होते हैं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 3, 0 से स्टार्ट होने वाले होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या लिखनी है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर अगर हमें कहा रहेगा तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये आपके पास आप काउंट कर लें कि आपके पास ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स बनते हैं। इसी के साथ हमारी इस एक्सरसाइज का एंड होता है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।